हमारी ट्रेन थी स्वर्ण शताब्दी, जो कि दिल्ली से अमृतसर के लिए रवाना होने वाली थी। Good morning, everyone. I'm going to Amritsar. सात बज के दस मिनट सबको स्टार्टिंग में वेलकम ड्रिंक मिली नींबू पानी। थोड़ी देर बाद ही नाश्ते में चाय और आ गई। नाश्ते में सबको कटलेट्स, ब्रेड बटर जैम मिला चाय के साथ। हेलो ये हैं मेरे पिताजी, जिन्होंने ये ट्रिप स्पॉन्सर करी। स्वागत है आप सबका अमृतसर में। वैसे तो मैं यहाँ बहुत बार आ रखा हूँ, इस बार मैं सिर्फ श्री हरमंदिर साहिब गोल्डन टेम्पल के लिए आया। पास में ही सागरी निवास में रुका हूँ। सागरी निवास इज रियली गुड। अगर आप गोल्डन टेम्पल के पर्पस के लिए यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर रुकना आपके लिए बेस्ट रहेगा। व्यू वॉज रियली गुड एंड द होटल रूम इज क्लीन एज यू कैन सी। यहाँ पर मैंने अपने बैग स्पेशली रख रखे हैं। फ्रेंड्स, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आपको ये होटल बुक करना है, आप अमृतसर आ रहे हो और आप सागरी निवास में रहना चाहते हो जो गोल्डन टेम्पल से वॉकिंग डिस्टेंस में है। आए, हमने नाश्ता किया और फिर गोल्डन टेम्पल के लिए तैयार हुए और अब चलते हैं श्री हरमंदिर साहिब गोल्डन टेम्पल।
भाई का लुक। वरुण धवन एंड रेमो डिसूजा अपनी नई पिक्चर ABCD3 के आशीर्वाद के लिए श्री हरमंदिर साहिब आए हुए थे। दोस्तों मैं आप सबको बता दूं कि अब श्री हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे में फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। एक्चुअली इसके पीछे भी एक रीज़न है। जब मैंने वहां के एक सेवादार से बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि लोग गुरुद्वारे में आके अपनी फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं, वीडियोस बनाते हैं और लोग टिकटॉक्स बनाते हैं, जो कि ये शोभा नहीं देता। किसी ने एक डांस करते हुए वीडियो बनाई थी गुरुद्वारे के सामने, तब से फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी प्रोहिबिटेड हो गया। गोल्डन टेम्पल के बाहर ही एक दर्शन सिंह एंड सुरेंद्र सिंह की एक शॉप है, जहां सरदारों के लिए पग, टी शर्टें और अधिकतर ऐसे सामान मिल जाते हैं। यहां हम बाबा जी का रुमाला लेने आए। अखंड पाठ साहब तो यूज होएंगे, अंदर ही लगेगा प्रॉपर रिपीटेबल सेवा है।
अगले दिन दी सुबह। भरावां दा ढाबा, वन ऑफ द वर्ल्ड फेमस ढाबा इन अमृतसर। ये सन 1912 का बना हुआ है। वहाँ पर हमने आलू प्याज पराठा, चूरचुनान थाली, अमृतसरी कुलचे और पंजाब दी स्पेशल मिठी लस्सी मंगवाई। ये अमृतसर दी मेन मार्केट। और ये है पंजाब दी गलियां। सब काम करने के बाद हम पार्टीशन म्यूजियम भी गए। और अब समय आ गया था अपने घर दिल्ली जाने का। तो आप सब से यही विदा लेते हुए मैं अपनी वीडियो को एंड करना चाहूँगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो।